అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి అతి స్వల్ప మెజారిటీతో విజయానికి దూరంలో నిలిచినటువంటి భీమభరత్ గారిని రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాల్సింది కోరుతాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీ షబీర్ అలీ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతాను. आज की इस सभा के सदर आली जनाब महेश गौड़ साहब एमएलसी, नरसिम्हा रेड्डी जी और शयनशीन पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे एसीसी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और भी आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, ये एक जगह ऐसी है. मुझे अच्छा याद है 2003 राजशेखर गार पदयात्रा चेसिनप्पटि चेवळ्ळा कांग्रेस के एप्पुडु कलिसी वच्चिंदी. चेवळ्ळा मीटिंग हमेशा कांग्रेस को मिलके आया है और आज का चेवळ्ळा सभा में हमने बहुत इम्पोर्टेंट 6 गारंटी स्कीम्स पे हमने 2 पहले ही कर दिए, सिर्फ कुछ घंटों में पूरा करे और आज ये 2 और नए स्कीम्स जिसमें 500 रुपीस में सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली का फ्री हमने दे रहे हैं. तो भाइयों, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो वादा करती है वो निभाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है. 139 संवत्सराल कांग्रेस पार्टी पुट्टी एनो सारू ओडिंदी गेलिचिंदी कानी इच्छिना वाग्दानं पूजेसिंदी. कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना देने का वादा किया और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना देकर बताया. कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, रेवंत रेड्डी जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि हम 100 दिन के अंदर 6 गारंटी पूरी करेंगे और हम अभी 85 डेज के अंदर 6 गारंटी में से 4 गारंटी हमने पूरे कर रहे हैं. तो ये हमने जब केसीआर को सरकार दी 10,000 करोड़ रुपया हमने सिलक दिया. केसीआर गार की प्रभुत्वम इच्छेटप्पुडु 10,000 कोट्ल रूपायलु नेट इच्चिनाम ఆదాయంతో నగత. ఇయాల కేసీఆర్ మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే 7 లక్షల కోట్ల అప్పులతో తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు హ్యాండ్ఓవర్ చేసిండు. మనకు 10,000 కరోడ్ కే సాథ్ లియే ఔర్ దియే 7 లక్షల కరోడ్ కే సాథ్ హమ్కో బాకీ మే. తో భాయ్యో ఔర్ బహనో, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी फिर 7 लाख करोड़ से क्या हुआ, काले शरम बनाए, बैरेज के बैरेज उड़ जा रहे, जो काम करे डुप्लीकेट काम और सब गलत काम करके पैसा खत्म करे. आज कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 7 लाख करोड़ खर्चा होने के बावजूद भी हमने जो वादा किया था, हमने 6 गारंटी का वादा किया था, हमने SC सब प्लान है, BC सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान है, हम उसमें भी फंड्स बढ़ाकर हम चाहते हैं कि उन सब के साथ न्याय हो, बच्चों को स्कॉलरशिप समय में मिले. हमारे CM साहब ने परसों ने कहा कि स्कॉलरशिप जो बच्चों की है ग्रीन चैनल में लगाओ, उन लोगों का कोई पैसा नहीं रुकना चाहिए ताकि बच्चे ड्रॉप आउट ना हो जाए, गरीबों के बच्चे मीडियम, क्योंकि गुरुकुल पाठशाला और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर गरीब होते हैं, उनके बच्चों के फीस नहीं 2 साल से 3 साल से KCR ने नहीं दिया है, तो ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं. तो ऐसे बड़े स्कीम हैं और आगे भी स्कीम देंगे. मैं फिर एक दफ़ा आपसे अपील करता हूं कि आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर चेवड़ला पार्लियामेंट को भारी अक्षर से जिताएंगे. आप आवाज़ न करें एक दफ़ा, कांग्रेस पार्टी आवाज़ जोर से लगाओ, दिल्ली तक सुने आना है, प्रियंका गांधी को सुने आना, कांग्रेस पार्टी चेई गुर्तुके. మరి ఈసారి చెవళ్ళ పార్లమెంట్ గెలిపిస్తామా, హాతుడా భయ పార్లమెంట్ హమ్ జితాకే బతాయంగే కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్. ధన్యవాదాలు, శుక్రియా. మాజీ మంత్రిని శ్రీమతి పుష్పలీల గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాను.